सीमा पर महीनों से चल रहे विवाद के चलते लद्दाख में हजारों सैनिकों की तैनाती करके चीन भारत को डराना चाहता था, लेकिन उसकी इस चाल के नाकाम होने के बाद चीन अब फिर से भारत के पूर्वी हिस्से में तनातनी का नया मोर्चा खोल रहा है। दरअसल चीन ने भूटान से सटे हुए ढोकलाम के पास अपने H-6 परमाणु बॉम्बर और क्रूज मिसाइल को तैनात किया है। चीन अपनी नापाक चालों को चलते हुए इन विनाशकारी हथियारों की तैनाती गोलमुड एयरबेस पर कर रहा है। ये एयरबेस भारतीय सीमा से सिर्फ 1150 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इससे पहले बता दें, चीन ने इस घातक बॉम्बर की तैनाती अक्साई चीन के काशगर एयरबेस पर की थी। ऐसे में हालिया तैनाती को लेकर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट दैट रेस्पा की ओर से जारी सैटेलाइट तस्वीर में इस बॉम्बर के साथ KD-63 लैंड अटैक क्रूज मिसाइल भी नज़र आ रही है। इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर है। इसके अलावा एयरबेस पर शियानवाई 20 मालवाहक सैन्य विमान भी नज़र आ रहा है। गौरतलब है कि चीनी H-6 बॉम्बर को लंबी दूरी पर स्थित टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये विमान परमाणु हमला करने में भी सक्षम है। चीन ने इस विमान को विशेष रूप से अमेरिका के गुआम नेवल बेस को निशाना बनाने के लिए शामिल किया है। इसके पिछले मॉडल में मिसाइल की क्षमता सीमित थी, लेकिन इसे अपग्रेड करके अब और एडवांस बनाया गया है। ऐसे में माना जाए तो चीन ने पिछले कुछ दिनों से ढोकलाम के पास अपनी एक्टिविटी बढ़ाई है, जबकि 2017 में ढोकलाम में ही भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था और फिर 73 दिन के गतिरोध के बाद चीन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन चीन ने पिछले 3 साल में LAC से लगे अपने इलाके में हवाई ठिकानों की संख्या को दुगना कर दिया है। इसके अलावा भारतीय विमानों और मिसाइलों को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस पोजीशन और हेलीपोर्ट की संख्या को भी बढ़ाकर दुगना कर दिया है। ऐसे में देखा जाए तो चीन ने ये तैयारी लद्दाख में तनाव पैदा करने के ठीक पहले की है, जिससे उसके नापाक इरादे अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक चीन ने जून और जुलाई में ढोकलाम के पास नए निर्माण भी किए हैं। चीन नॉर्थ ढोकलाम के जनरल एरिया में ये निर्माण कर रहा है। चीन इस ट्राई जंक्शन पर सिचला और टोरसा नाला के साथ साथ लगी दीवार पर ना केवल काम आगे बढ़ा रहा है, बल्कि चीन सिचला से करीब 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ एक बहुमंजिला इमारत भी बना रहा है। तो वहीं इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिली है कि चीन सिचला से पश्चिम की तरफ एक पैदल चलने वाले रास्ते को भी अपग्रेड कर रहा है।